सुनो जी कथा है हमारी, हमारी कथा है, कथा है पुरानी जो सबको पता है। दिल्ली सुनो रे भैया, सुनो। कथा है हमारी जो सबको पता है, पर सच तो ये है कि ये कथा अब हमारे लिए कथा नहीं रही। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जानते हैं, समझते हैं, महसूस नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, बोलते तक नहीं। आखिर क्यों? लड़की देखी मुझसे सीटी बजे हाथ से ताली। साला उपमाई को तोड़े आने वाले, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। बोल क्यों रहे हो? मैडम देखा ही तो है और देखना तब तक कोई क्राइम हो गया। ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? मैडम पीछा ही तो कर रहा हूँ और इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? ये क्या बदतमीजी है? मुझसे क्या पूछ लिया जानवर? ये तो उस्ताद से पूछ किसने तुझे इतनी शिद्दत से बनाया है। मेरा रास्ता क्यों रोका? अजी मैडम आपने तो हमारी सांसें रोकी, हमने तो केवल आपका रास्ता रोका है। गाड़ी चलाते वक्त लड़की को देखकर सीटी बजाते हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता तो? मैडम सीटी तो बजाई है, अब सीटी बजाना कौन सा क्राइम हो गया? लोग देखते हैं, घूरते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा क्राइम कर दिया। अपनी आंखों से सामने वाले को नंगा कर देते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, फिर कहते हैं देखा ही तो है, सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा अपराध कर दिया। किसका इंतजार कर रही है? चल अब बैठ मेरी गाड़ी में, तुझे संगत इंतजार कराता हूँ। बाप कसम इतना में यार टोटा है मेरी जान टोटा भाई, है भी तो मॉडल क्या मैडम, लव होगा क्या? बम है यार, तीखी मिर्ची ऊपर से लेके नीचे तक आग लगा दी। ओ मेरी बिल्लो रानी, क्या गरम मसाला है आज, जल्दी जवानी क्या पिघल जाने ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा। शर्म नहीं आती? कमरे में कौन लगती है? आज बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ रहे हो तुम। अरे मारी बिटिया भैया, उम्र में कहाँ रखा है, अभी तो मैं जवान हूँ। घर में माँ भी है और दो बहने भी, अपने घर की माँ बहनों को कोई छेड़ता है क्या? नहीं छेड़ेंगे। हद होती है बदतमीजी की, इट्स टू मच। मैडम आप तो बुरा ही मान गई, गरम मसाला ही तो कहा है और आप हो भी दो। अब परेशान किया ना तो पुलिस को फोन कर दूंगी। अजी मैडम हमने कौन सा अपराध कर दिया? आप हो ही इतनी खूबसूरत क्यों भाइयों? मैडम है भी तो आवे तो सही मैडम, पर तन्ने देख कर चली जाओ से। शक्ल से तो तुम पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये छिछोरा बन क्यों? मैडम हम पढ़े लिखो के दिल के पत्थर के होते हैं। मैडम ने तो अंग्रेजी की टांग तोड़ दी, एक मिनट ही, आई लव यू टू जी। सड़क हो ऑफिस, बस हो या मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब्यूज करने वाले कहीं अलग से नहीं आते, कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते, वो होते हैं हम और आप जैसे लोग, हमारे घर से लेकर ऑफिस तक, मायके से
खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि उन्हें पैदा ही ना होने दिया जाए। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे से कितनी बार बोला मुझे मेरे घर वाले को ये बच्ची नहीं चाहिए, अस्पताल जाओ और इसे गिरवा कराओ। मैं अपनी बच्ची को नहीं मारूंगी। तू अपनी बच्ची नहीं गिरवाएगी, तू अपने पति की बात नहीं मानेगी। कैसे मैं पति कर देता हूँ। मार दिया जाता हो, ऐसा समाज जहाँ लड़कियों के साथ कदम कदम पर भेदभाव किया जाता हो, स्कूल में, कॉलेजेस में, मायके में, ससुराल में, घर में, ऑफिस में, ऐसा समाज जहाँ लड़कियों को दहेज के नाम पर डराया जाता हो, उन्हें जलाया जाता हो, ऐसा समाज जहाँ लड़कियों के साथ खुलेआम छेड़खानी की जाती हो। तूने क्या करना जानी रानी, ओए रानी, ओए रानी। तुमसे कितनी बार कहा कि मेरा पीछा मत किया करो। यार मैंने भी तो तुमसे कितनी बार कहा है, तुम हो इतनी खूबसूरत कि मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने तुम्हें बहुत बार अवॉइड किया है और अब मेरी शादी होने वाली है, अगर आप परेशान किया ना तो तुम्हारी शिकायत अपने बाबा से कर दूंगी मैं। यार इतनी छोटी सी बात के लिए मम्मी पापा के पास जाने की क्या जरूरत है, तुम्हारी शादी होने वाली है ना, तो आओ मैं ना छोड़ो मेरा हाथ देता हूँ। क्या कर रहा है, छोड़ो मेरा ना परमानेंट मेकअप कर देता हूँ इस मेकअप पे कर शादी। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या फिर उसको ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती तो या तो उसे गोली मार दी जाती है या उस पर तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना, फ्लेश से काटना, पेट्रोल डाल जिंदा जला देना आम हो चुका है। जिस दिन हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी ये स्टेटमेंट देते हैं कि लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराधों में कटौती हुई है, उसी दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की को खुलेआम गोली मार दी जाती है। हमारे देश के कई बड़े नेता कहते हैं कि अगर लड़कियां अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलेंगी तो छेड़खानी तो होगी, बलात्कार तो होगा ही। हमारे समाज के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां लड़कों को उकसाती हैं, इसलिए उनके साथ ये सब होता है। आप ही बताइए 70 साल की बुढ़िया ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे, 9 महीने की बच्ची ने किसको उकसाया था कि उसके साथ ये सब हुआ। ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों की अस्मिता पर ही सवाल उठाते हैं।
के अंदर, घर के बाहर, बस, मेट्रो, मॉल या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पे जब भी कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या फिर उससे मजा लेने की कोशिश कर रहा होता है, तब हम सब लोग अपनी अपनी नजरें फेर कर लेते हैं। क्या छेड़ने वाले ने कभी ये सोचा है कि हमारे इस तरह के दुर्व्यवहार से, हम मर्दों की इस तरह की बदतमीजी से लड़कियों के दिलो दिमाग पे क्या असर पड़ता होगा? क्या छेड़ने वाले ने कभी ये सोचा है कि उसका एक मिनट का मनोरंजन किसी लड़की की मानसिकता पर इमोशनली और फिजिकली क्या असर डालता है? एक बार, सिर्फ एक बार खुद को हम लड़कियों की जगह पर रखकर देखो, पता चल जाएगा कुछ ना कर पाने की कसक क्या होती है। हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पेस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देने को क्यों तैयार नहीं? एक बार सोच कर तो देखिए, आदमियों के इस तरह के व्यवहार से कितना टूटती, कितना सहमती और कितना डरती है लड़कियाँ। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। गुड़िया कब से खेल रही है पोषण बा भाई पोषण बा, पता है कितनी देर से तेरा वहां पर इंतजार कर रहा हूँ मैं, और तुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है ना? हाँ भैया। आज मैं तेरे लिए ये छोटी वाली चॉकलेट लेकर आया हूँ भैया। सोना, आज छोटी वाली चॉकलेट आया हूँ, और कल मैं तेरे लिए बहुत बड़ी वाली चॉकलेट भी लेकर आऊंगा। आजा मेरे पास, तितली का है चल हट बदमाश, तितली उड़ी उड़ के चले फूल ने कहा, आजा मेरे पास, तितली का है चल हट बदमाश, तितली उड़ी उड़ के चले फूल ने कहा, आजा मेरे पास, तितली का है चल हट बदमाश। किसी के बारे में शिकायत करती है तो चुप मत रहिए,
आवाज उठाइए और उसकी बात को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। फिजिकल अब्यूज करने वाले कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते और कोई भी हो सकता है। आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपका अपना भाई भी। अपराध सहना और अपराध देखकर चुप रहना अपने आप में एक सामाजिक और कानूनी अपराध है। यदि आपके आसपास, पड़ोस में, कॉलेज कैंपस में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी महिला के साथ छेड़खानी, मारपीट, प्रताड़ना, घरेलू हिंसा होती है तो ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा और कौन क्या सोचेगा। खुद आगे बढ़िए, उसकी मदद कीजिए, स्थानीय पुलिस और लोगों से मिलकर उसके मामले पर दखल दें और समाज के बंद दरवाजों पर दस्तक दें। हम लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं, दुपट्टा ऐसे ओढ़ो, ऐसे चलो, ऐसे मत चलो, अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत निकलो, अगर जाना ही पड़े तो भाई को साथ लेकर जाओ, ऐसे लोगों से बात करो, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो, ये कर वो कर, ऐसे उठ ऐसे बैठ। हम अपने लड़कों को क्यों नहीं सिखाते, क्यों नहीं समझाते कि लड़कियों को इज्जत और सम्मान और आजादी कैसे दी जाती है। एक नारा हम सब ने सुना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसे नारे से ज्यादा जरूरी है बेटों को समझाओ। अगर बेटे समझ गए, अगर बेटे समझ गए तो बेटियां बच भी जाएंगी और बेटियां पढ़ भी जाएंगी और आगे चलकर अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगी। 1947 में आजादी सिर्फ मर्दों को नहीं मिली थी, सबको मिली थी। संविधान में सबको बराबरी का हक है, तो मर्द कौन होते हैं? मर्द कौन होते हैं किसी की आजादी को नियंत्रित करने वाले? मर्द कौन होते हैं औरत को ये कहने वाले मैं तुझे आजादी दूंगा? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में छिपे इन सफेद पोल भेड़ियों से सावधान रहिए। ये बात याद रखिए कि जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हैं हम और आप, जो अपनी आंखें और कान सिर्फ इसलिए बंद कर लेते हैं कि कहीं कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन के चक्कर ना काटने पड़े। नतीजा, सबूतों के अभाव में अपराधी सब बच निकलता है और उसे हौसला मिलता है नए अपराध करने का। क्या हम सब मिलकर समाज में लड़कियों के लिए सुरक्षित माहौल नहीं बना सकते? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हम क्यों अपनी आवाज उठाने के लिए दामिनी जैसे हाथों का इंतजार करते हैं? हम क्यों समाज में ऐसा माहौल नहीं बना सकते जहां महिलाओं के प्रति अपराध के बारे में सोचना भी अपने आप में एक अपराध हो? दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर, उनकी सोच पर। हम यहाँ रुककर नाटक से दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं। अब जहाँ पर आप वहाँ से दस्तक दीजिए और ये दस्तक आखिरी दस्तक होनी चाहिए कि नाउ इज इनफ, नो मोर क्राइम अगेंस्ट वीमेन, जीरो टॉलरेंस। अब हम और नहीं सहेंगे, अब हमें और मंजूर नहीं है। मंजूर है क्या एक और रेप केस, एक और ऐसी अटैक मंजूर है क्या? अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं।
नमस्कार दोस्तों, ये था अस्मिता थिएटर ग्रुप का नाटक दस्तक, और इस नाटक को लिखा और इस नाटक का निर्देशन किया है श्री अरविंद गौर सर ने।